देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। अगर फिर से ऐसा डराए ना तो बहुत मारेंगे तुमको। शादी का इंतजाम मजाक नहीं होता है, और वैसे इसकी शादी में इतनी अड़चने आई। अरे माता रानी, कोई अड़चन वर्चन नहीं आने वाली है। वैसे भी हम है ना आपके साथ अर्चन का कीर्तन गाने के लिए। अरुण क्यों मैसेज कर रहा है? क्यों परेशान हो रही है आप? देखिए दीदी के शादी में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सिंदूर का कितना कतई शुक नहीं होता। मम्मी, I'm sorry, वो गलती से। अरे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमेशा कि थोड़ा सा ध्यान रखो, हर समय मजाक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे कान पे जू नहीं रहती है। तुम्हें पता भी है सिंदूर की क्या कीमत होती है औरत की जिंदगी में? हर मजाक, हर बात में मजाक। प्लीज शांत हो जाइए, गलती से गिर गया है, उसने जानबूझ के नहीं गिराया, और शादी वाला घर है, ऊपर नीचे तो होता रहता है। अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलिए हमारे साथ चलिए। हेलो, सब कुछ रेडी कर रहे हैं हम, बस थोड़ी देर लगेगी। हाँ ठीक है। तुमने कुछ सोचा भी है आगे कैसे करना है? मतलब तुम्हारी फैमिली वालों को कब बताना है? अरुण, जैसे प्लान किया ठीक वैसे ही करेंगे, एंड टाइम पे कोई बदलाव नहीं करेंगे, समझे? पक्का? पक्का। दीदी, भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ खा पी लीजिए। आइए आइए आइए। दानी सुन, तू अब अपनी दीदी के पास चली जा, और कुछ ही देर में उसको भी रस्मों के लिए बुलाएंगे, उसी के साथ रहना, ठीक है? उसे तैयार कर देना। ओके, जा। दीदी कहाँ चली गई? जीजू का मन इतना उतावला है दीदी को मिलने के लिए, तो दीदी भी तो बेचैनी होगी ना उन्हें देखने के लिए। जरूर उनकी एक झलक पाने के लिए छत पर गई होंगी। अभी देखकर आते हैं। दानी, अगर आज कोई मजाक करने का इरादा है तो तुम आज तो बच जाओगी, क्योंकि शादी का बहुत काम, पर कल ना जरूर पिटोगी। अरे सृष्टि के साथ रहने के लिए कहा है, वो भी नहीं हो रहा तुमसे। अरे माधरानी, दीदी कमरे में नहीं है, पूरा घर छान चुके हैं, कहीं नहीं मिली हमें वो। अरे घर में नहीं है, कमरे में नहीं है, तो क्या आजमगढ़ गई है मेकअप कराने? माता रानी, आप खुद चेक कर लीजिए। संकेत, जितना हम अपनी साली साहिबा को समझ पाए ना, उतने में एक बात कहते हैं कि हर बात का जवाब रेडी रहता है इनके पास। अगर अपनी मस्ती में कुछ कह दें आपको तो दिल पे मत लेना। नहीं नहीं दिल। गुरु मेरे भाई, अक्सर जो जवाब देने वाले होते हैं ना वो साफ दिल के होते हैं, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। पापा, वो मम्मी बुला रही है आपको। हाँ ठीक है, मैं अभी आया, मैं अभी 2 मिनट में। आइए आइए आइए। सोच के हाथ पूल दोनों परिवारों की इज्जत दांव पर लगी हुई। कितनी समझदार है मेरी बच्ची, ऐसे कैसे कहां जा सकती है? हमें तो कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा। दानी, तू और सृष्टि तो सहेली जैसी हो, ऐसी कोई बात हो जो तुझे पता हो वो हमसे ना बता पाई हो तो बता बेटा, मैं और तुम्हारे पापा से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं 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 मम्मी, दीदी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। हम तो खुद सोच सोच कर परेशान हो गए कि आखिर वो जा कहां सकती है।
पहली बार हमारा भी दिल बहुत घबरा रहा है मम्मी। ये कैसे हो सकता है? अब देखिए हमारे चेहरे से मुस्कुराहट चली गई। वैसे जो साफ दिल के होते हैं ना, वो जरा सी भी बात में मुस्कुरा देते हैं। अब अगर आप हमें बता देंगी कि शिष्टी जी कहां पर हैं, तो मुस्कुरा देंगे हम। हम फंक्शन के फोटोज भेज रहे थे उन्हें उनके फोन पर, तो रिप्लाई नहीं कर रही थी वो। रिप्लाई करेगी भी कैसे, डिलीवर नहीं हो रहा था मैसेज उन्हें। फोन भी ट्राई किया हमने उनको, फोन भी लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। बस यहीं अकेले बैठे बैठे एक्साइटेड हुए जा रहे थे हम। अब वो कहना कि ऐसे अकेले बैठे बैठे एक्साइटेड हो जाएंगे तो लोग हमें देखकर हंसेंगे और समझेंगे सर फिर रहे हैं आप। तो एक काम करिए, आप अंदर जाकर उन्हें कहिए कि थोड़ा सा साथ दें हमारा। आपने दीदी को फोन किया था? हाँ, वो क्या ना कि शादी के मुहूर्त को थोड़ा सा वक्त है तो बोर हो रहे थे हम, बैठे बैठे हमने बस फोन घुमा दिया उन्हें। हाँ, लेकिन नंबर बंद था उनका। अब सामने ही नहीं तो कम से कम एक बार वीडियो कॉल पे दिखा दीजिए कि श्रेष्ठी जी दुल्हन के लिबास में लग कैसे रही है। इसी को हमने बहुत ढूंढा, पूरे घर में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, पर कभी कहीं नहीं मिली। हमें पता भी नहीं चला वो कहाँ चली गई, क्यों चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे मुंह फेर के जा नहीं सकते, आप लड़कियां के बाप हैं। तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, सबको समाज को जवाब देना पड़ेगा। खुद हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं सुरेंद्र भाई साहब, आपके पूरे परिवार की, लेकिन हमारी इज्जत का आप ये सिला दिया, आपने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चलिए सब इंतजार कर रहे हैं आपका। बचुआ, 2 मिनट में आते हैं, आप पंडित से कहो शादी की अगली रस्म शुरू कर दे। धन चाहे तो इस घर की इज्जत बचा सकती है। तने घुट घुट के मरने से अच्छा क्या हम अपनी जान दे दें? क्या कर गया? तुमने हमारे लिए चारा ही क्या छोड़ा है? एक बेटी मुंह काला करके भाग गई और दूसरी गांधारी बनी बस आंखें बंद करके तमाशा देख रही है। जिन बेटियों को हमने जीवन दिया उन्हें अगर हमारे जीवन की फिक्र नहीं है तो हम अपनी जान ले लेते हैं ना। तुम हटाओ से नीचे, नीचे करो। सुंदर भाई साहब रोकिए ना। नहीं भाई साहब हमें मत रोकिए। वैसे भी सच बाहर आने के बाद लोगों की तिरस्कार, उनके ताने सुनकर उनकी तिरस्कार वाली नजरों का सामना करने से अच्छा है कि वो अपनी जान दे दे। बोल दादी, तू शादी करेगी या नहीं? पापा रोके ना मम्मी को, क्या कर रही है मम्मी? रुक जाइए। आज अपनी सिर्फ माँ ही नहीं खोएगी, हमें भी खोएगी धानी। इसलिए कह रहे कि तुम बात मान जा। हम शिष्टी जी उनके परिवार को अच्छे से जानते हैं, पूरा भरोसा उन पे हमें, और बहुत अच्छा परिवार है ये। इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी थी और आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तो ये रिश्ता टूटेगा और ना ही वो यहां से कहीं जाएंगे। और हाँ, अगर किसी को इंतजार करने में दिक्कत हो रही है तो दरवाजा खुला, यहां से जा सकते हैं आप। अब ये घूंघट तेरी मुंह दिखाई पे ही उठेगा।